नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो कि 11 अगस्त को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है, उसका फर्स्ट वीडियो सॉन्ग तूर कलिया रिलीज कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं इसी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो गाना है इसको अरिजीत सिंह, अल्तमास तथा शादाब ने गाया है और इसके म्यूजिक कंपोजर है प्रीतम और गाने को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो दोस्तों, गाना काफी अच्छा है, गाना काफी मधुर है, म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है। गाना पहले ही हिट हो चुका है क्योंकि इसका ऑडियो पहले रिलीज कर दिया गया था। जहां तक गाने का जो वीडियो वर्जन है उसकी बात करें तो इसमें आपको आमिर खान अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। शुरू में वे बिल्कुल जवान दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बाल हैं उनके, उसके बाद में उनके थोड़ी सी बड़े हुए बाल दिखाए गए, फिर बड़ी हुई दाढ़ी में उनका लुक दिखाया गया। वो दौड़ रहे हैं लगातार, इस गाने में उनको दौड़ता हुआ दिखाया गया है। और आपको भी बता दूं कि इस गाने को देश के विभिन्न लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग लोकेशन पर गाने को शूट किया गया है और इस गाने को शूट करने में करीब 30 दिनों का समय लगा है। तो काफी ब्यूटीफुली इस गाने को मतलब पिक्चराइज किया गया है। लोकेशन बहुत ही शानदार है, विजुअल्स बहुत ही अच्छे है। तूर कलिया का मतलब होता है वॉक अलोन, मतलब अकेले चलो, खुद से प्यार करो, ये इस गाने की मेन थीम है। और एक तरीके से ये फिल्म की स्टोरी को ही नरेट करता है, किस प्रकार से आमिर खान का कैरेक्टर फिल्म में होने वाला है उसी को ये गाना नरेट करता है। और किस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से बताया जा रहा है कि समय बीतता जाता है, आपको अपने आप से प्यार करना है। हालांकि शुरू के दृश्य में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको अपने दोस्तों की याद आती है, अपनी माँ की याद आती है, अपनी प्रेमिका की याद आती है, सब कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ढूंढना चाहते हैं। ये खुद की सर्च की कहानी है, अपने आप को तलाशने की कहानी है। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन की यात्रा होती है, इसी यात्रा के ऊपर ये फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। तो गाना तो काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है, विशेषकर जो विजुअली है, विजुअल्स बहुत शानदार है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है, गाने के बोल जिसे अमित भट्टाचार्य ने लिखा है बोल भी बहुत ही अच्छे हैं, और म्यूजिक प्रीतम ने जो म्यूजिक दिया वो भी काफी मधुर है। तो गाना कुल मिलाकर के बहुत सुपर्ब गाना है, अच्छा गाना है, मधुर गाना है, और जिस प्रकार से गाने को पिक्चराइज किया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे तो ये गाना काफी अच्छा लगा है। अगर आपने ये गाना देखा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।